क्या आप परेशान हैं? क्या आप लोगों से ये पूछ पूछ कर तंग आ चुके हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब होंगे? क्या आप उन धोखेबाज वेबसाइटों की डेट्स को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशंस हैं इस बार हो गए हैं या नहीं होंगे? इन चीज़ों को अगर आप देखकर परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हम यहाँ पर आपके लिए कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो आप सभी जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल अंडर ग्रेजुएट UG, पोस्ट ग्रेजुएट PG और MPhil PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालती है और वो इस टाइम तक आ जाते हैं। अब आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है कि इतनी सारी वेबसाइट्स पर ये क्यों दिखाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शुरू होकर ख़त्म भी हो गए हैं, क्योंकि वो हर साल की एक जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल देते हैं और लोग आकर हर साल उसे देखते रहते हैं, बस साल बदलते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन वो की वो रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो अभी तक वो नहीं आया है तो उसके कब आने की संभावना है, या फिर वो आएगा भी या नहीं आएगा। तो जो आपका ये दूसरा सवाल है कि वो आएगा या नहीं आएगा, उसको मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हाँ, एडमिशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी एडमिशन ही ना ले, उसके लिए आपके लिए एक प्रेस रिलीज भी निकाली गई थी अप्रैल 3 को। अब चिंता का विषय यही है कि अप्रैल 3 के बाद अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपके मन में जो डाउट्स और क्वेरीज आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक हैं। फिर आते हैं हम आपके तीसरे सवाल पर कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होंगे तो एडमिशन कैसे होगा। अब ये आपका डिपेंड करता है 3 चीजों पर। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए आपको हर बार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें से पहली चीज़ है कि बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट। अब जब यूनिवर्सिटी के जो हैं फॉर्म्स निकलते हैं उस टाइम पर या तो बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले होते हैं या फिर आ चुके होते हैं। अब इन दोनों ही केस में इस बार ये सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए थे और 1 जुलाई के बाद उन्हें शेड्यूल किया गया है। तो दूसरी बात ये कि सेमेस्टर एग्जाम्स यहाँ पर हो चुके होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके 1 या 2 या 5 दिन बाद जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला जाता है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं PG प्रोग्राम्स के लिए। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेमेस्टर एग्जाम्स भी अब तक यहाँ पर नहीं हुए हैं और यूनिवर्सिटी खुद फिगर आउट कर रही है कि सेमेस्टर एग्जाम्स को कैसे लिया जाए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसीलिए होल्ड पर है, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में आना चाहते हैं, चाहे वो स्टीफन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो जिसके लिए आप एस्पायर करते हैं SRCC में आना चाहते हैं, तो भी आपके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको 12th क्वालिफाई करना होता है, लेकिन 12th के एग्जाम्स भी अब तक पूरे नहीं हुए और रिजल्ट भी अब तक आया नहीं है। तो ये चीज़ें ही यहाँ पर सारी ही पूरी नहीं हो रही हैं और सेमेस्टर एग्जाम जब तक यूनिवर्सिटी के नहीं होंगे तब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का निकलना मेरे हिसाब से यहाँ पर नामुमकिन सा होता जा रहा है। अब जब आप बात करते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में आने के लिए, DUET 2020 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को मत रोकिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा तो प्रिपरेशन भी अच्छे से करिए, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप कर लीजिए। और जो बाकी लोग कट ऑफ्स पे बिलीव करते हैं कि जिनके कट ऑफ के थ्रू एडमिशन होता है, जैसे 12th के बाद UG कोर्सेज है मैक्सिमम में ऐसे ही होता है, तो वो लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स अगर बचे हुए हैं तो उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं बचे हैं तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो प्राइमरली JEE या NEET या फिर अलग अलग कोर्सेज के लिए एग्जाम जरूर देते हैं। तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी को भी अच्छे से चालू रखिए। बस एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पैनिक नहीं होना है, और जो फालतू की जो खबरें आ रही हैं रिसोर्सेज सोर्सेज के बिना, कुछ भी कोई भी कह रहा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पर कुछ भी बता रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर आप मत जाइए। और ऑथेंटिक सोर्स को, यानी अगर आप DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को, या फिर NTA की वेबसाइट को, या फिर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी यूनिवर्सिटी का हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट पर भरोसा करें, किसी की भी बातों में ना आए, मेरी भी बातों में ना आए, और
इस वीडियो के खत्म होने के बाद DU की वेबसाइट को जरूर जाकर एक बार जाइएगा, देखिएगा और वहां पर प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशंस पढ़िएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस दौर से गुजर रही है और कब तक आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ये तो क्लैरिफाई हो गया होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब इसका डिसीजन आपको खुद लेना है कि वो कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब से होंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोबेबल डेट बता दूंगा तो वो शायद आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आप फिर उस डेट का इंतजार करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बात ये है कि लॉकडाउन 4 चल रहा है, 31 मई को ये लॉकडाउन ख़त्म होता है या पाँचवा लॉकडाउन आता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जून के लास्ट तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स देखने को मिल जाएं, जुलाई में आपके एंट्रेंस और एडमिशन शुरू हो जाएं और अगस्त में आप सभी का हम यूनिवर्सिटी में स्वागत कर सकें। तो इसी के साथ इस कंसाइज इंफॉर्मेशन को हम यहां पर खत्म करते हैं। अगर आपको लगा हो कि हमने आपके इस क्वेरी डाउट को सॉल्व करने में आपकी मदद की हो तो आप और लोगों की भी मदद कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको लगता हो कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस और कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं जहां पर एक स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।